हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है वेडनेसडे मॉर्निंग, तो सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। और आज हस्बैंड का ऑफ है, तो आज की मॉर्निंग काफ़ी रिलैक्स वाली है और हम लोग बहुत आराम आराम से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम लोग देर तक सोएंगे और उसके बाद आराम आराम से घर के काम निपटाएंगे, लेकिन स्वास्तिक की नींद जो है 5:30 बजे खुल गई थी, वो 5:30 बजे उठ गया था, तो उसकी वजह से फिर मेरी नींद भी खुल गई थी। फिर ऐसा होता ना, एक बार नींद खुल जाए तो फिर दोबारा नींद भी नहीं आती है, और फिर वैसे भी अब जल्दी उठने की आदत हो गई है, तो फिर 6 बजे 6:30 बजे खुद ही नींद खुल जाती है। तो बस ऐसा ही हो गया है। और उसके बाद आज दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से एक कप चाय के साथ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाय बनाई है। बाकी दिन तो ऐसा होता है कि पानी वानी पियो, उसके बाद बस किचन में लग जाओ और काम में जुट जाओ, बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं होता है। और चाय भी बनाती हूँ तो फिर काम करते करते चाय पीनी पड़ती थी। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह से दिन की शुरुआत होना तो बहुत अच्छा लगता है। माइंड एकदम मतलब रिफ़्रेश हो जाता है, तो वो बाहर का एनवायरनमेंट इस टाइम पे बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, और वैसे भी गर्मियों के दिन है तो सुबह सुबह जल्दी उठ के बाहर जाओ तो मौसम कितना ठंडा रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बाहर ठंडी हवा खा के आऊँगी थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद सबसे बड़ा काम मुझे जो करना है अपने बालों के साथ में एक्सपेरिमेंट, तो आज मुझे हेयर कट करना है घर पे ही, क्योंकि आप सबको पता है मैंने काफ़ी दिन पहले बताया था कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और मतलब ऐसा होता है जब हेयर फॉल होता है फिर लंबे बाल होते हैं तो उनको संभालने में बहुत दिक्कत रहती है, और स्पेशली गर्मियों के दिनों में आप बाल खुले नहीं कर सकते हो, और थोड़े से भी मैं बाल खुले करूँ ना तो बाल इधर उधर गिर जाते, तो पूरे घर पर बाल बिखर जाते थे, कहीं कहीं पर कोने कोने पर बाल गिर जाते थे, तो इस तरह से अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा सा फिर मूड भी ख़राब होता है ना, इतने लंबे बाल फिर ऊपर से हेयर फॉल हो जाए तो फिर पतले से होते हैं, वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे घर पे किस तरीके से हेयर कट कर सकते हैं, क्योंकि पार्लर जाने का मुझे टाइम नहीं है, स्वास्तिक को छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ, तो घर पर हेयर कट करने के लिए भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने देखे थे और काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वीडियोज़ देख देख के, तो और मुझे लगता है सही तरीके से हो भी गया था। अभी आप आगे देखेंगे और कमेंट करके बताना कि मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल रहा, तो ये रहा मेरा न्यू हेयर कट और मैंने खुद से घर पे कर दिया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने बहुत ज्यादा छोटे नहीं किए हैं, इतने इतने रखे हैं, मुझे तो ठीक लग रहा है। घर पे मैंने खुद से कर लिए और फर्स्ट टाइम किए हैं, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ठीक ही लगा है। और ये है लेयर कट। तो मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं, मुझे डर लग रहा था ज़्यादा छोटे करूँगी तो कैसे लगेंगे, तो अभी मैंने इतने से ही करे हैं और ठीक है, लेकिन बाल तो अभी भी गिर ही रहे हैं। अगर फिर भी हेयर फॉल होगा, क्योंकि लंबे बालों में ये होता है ना, हेयर फॉल होता है तो सब जगह बाल ही बाल हो जाते हैं, पूरे घर पर बाल ही बाल बिखर रहे थे, तो इसीलिए मैंने छोटे करे हैं। अगर फिर भी हेयर फॉल ठीक नहीं होता है, कम नहीं होता, तो मैं और इनकी लेंथ कम करूँगी, तो अभी तो फिलहाल इतने हैं। लेकिन मुझे लंबे बालों का शौक था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जब हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो मुझे कट करना ही था, अदरवाइज मैं नहीं काटती इन बालों को, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लंबे बाल। तो नहा धो के मैंने दिया बत्ती कर लिए, आज हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है ना, क्योंकि बस बनाने का टाइम ही नहीं हुआ आज सुबह से, झाड़ू पोछा फिर नहाना धोना, स्वास्तिक को नहलाया, उसकी मालिश हुई, कपड़े वॉश हो चुके हैं, अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ते में कल की लेफ्ट ओवर सब्जी है आलू बैंगन की, तो मैं उसके साथ बनाती हूँ पराठे, आज मैंने ना दलिया नहीं बनाया है, तो इसीलिए अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, दोनों के लिए चाय बनानी है। बाहर खेत में ना आग लगाई हुई थी, बाहर सूखी घास बहुत ज़्यादा हो रही थी, आग लगी थी, तो इसलिए सारे विंडो मैंने बंद करके रखे हैं, धुआं आ जाता है अंदर, नहीं तो सफोकेशन हो जाता है, तो इसीलिए सारे विंडो मैंने अभी क्लोज करके रखे हुए। हस्बैंड अभी बाहर गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं नाश्ता बना के रखती हूँ तब तक, और स्वास्तिक को मैंने सुलाया था, वो फिर से उठ गया है। और आज के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं लच्छा पराठा, क्योंकि लच्छा पराठा ना कभी कभी अच्छा लगता है खाने में ब्रेकफास्ट में, खासकर आप बनाओ गर्मा गर्म तो बहुत टेस्टी लगता है, और चाय के साथ में अचार के साथ में तो और भी मज़ा आता है। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, एक रोटी बेल लिया मैंने, उसके ऊपर घी अप्लाई कर लिया है अच्छे से, और उसको इस तरीके से जिगजैग में हम फोल्ड कर लेंगे, और बस इसको गोल गोल
लोई बना के फिर बेलना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से जब हम इसको सेकेंगे ना, इसमें कई सारी लेयर्स बनती हैं और काफ़ी क्रिस्पी अगर आप ये पराठा बनाएंगे तो ये लच्छे निकल के आते हैं पराठे में से, जो कि बहुत अच्छे भी लगते हैं देखने में और खाने में भी मज़ा आता है। आज मेरा हाथ जो है ना बार बार अपने बालों पे जा रहा है। थोड़ा सा भी हेयर कट करो तो अच्छा लगता है ना, लुक चेंज होता है, तो पता नहीं कैसा लग रहा है। और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, हमारा फ्रूट्स टाइम है अब। वैसे तो लंच का टाइम होता है लेकिन काम करते करते इतना टाइम हो गया तो मैंने सोचा भाई फ्रूट्स खाते हैं, लंच तो होता ही रहेगा। वैसे लंच भी मेरा रेडी हो चुका है, बस मुझे दाल में तड़का लगाना है, चावल बन चुका है, रोटियां बनानी है, आटा मैंने गूंथ लिया है, तो थोड़ी देर में करेंगे, है ना सास्ती? आज सोया नहीं है बिल्कुल भी, और मुश्किल से आधा घंटा सोया होगा। और मिस्टर रावत गए थे बाहर गद्दा देखने के लिए, मतलब हम वो नीचे बिछाने के लिए हमें मैट्रेस की ज़रूरत है ना, क्योंकि अब स्वास्थी को मैं नीचे सुलाना पड़ेगा गद्दे में, तो इसलिए मैट्रेस देखने गए थे सही साइज़ के और ठीक ठाक प्राइस के देखने गए थे। अभी मिले नहीं, कोई पसंद नहीं आए, तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना बाहर, बहुत गर्मी हो रही है आजकल, जैसे अब मई जून आएगा तब तो और ज्यादा गर्मी होने वाली है, अप्रैल में इतनी गर्मी हो रही है। खाओगे बेटा? मीठा है? दोपहर के 2 बज गए हैं और मैंने खाना खा लिया है, बर्तन क्लीन कर दिए हैं, थोड़े बहुत बर्तन हैं वो हस्बैंड अभी क्लीन करने वाले हैं। आज स्वास्तिक की आवाज आ रही है अंदर से, एक चीज बताती हूँ मैं आपको, स्वास्तिक जो है ना अंदर सो रहा था, उठ गया है। ओहो बेटा उठ गए, इसने नैप ही नहीं पहनी है इसलिए मैं कैमरे में दिखा नहीं रही इसको। तो अभी मैं इसी का वेट कर रही थी, उठेगा तो इसकी मालिश वालिश करते हैं, उसके बाद फिर मैं भी सोती हूँ। हस्बैंड बाहर हॉल में सो रहे हैं, यहाँ से दिख भी रहे होंगे शायद, वो सो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको फैन चला के सोना होता है और मैंने फैन नहीं चलाया है, क्योंकि स्वास्तिक जो है बिना नैपी के है इसलिए उसको ठंड ना लग जाए, इसलिए नींद में रो रहा था फिर से सो गया है। तो कभी कभी नींद में इस तरह से करता है। तो वापस आते हैं किचन में और मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं, जो थोड़े बहुत बर्तन हैं। हस्बैंड ने अभी खाना नहीं खाया, वो कह रहे मुझे भूख नहीं है, हमने ना खरबूजा कट करके खाया था तो उसके बाद उनका पेट भर गया। और आज हमारे घर में बहुत ही कीमती चीज आई है, मैं दिखाती हूँ, तो ये है वो कीमती चीज, 1 2 3 4 5 6 दो और है, ये 8 नींबू आए हैं। जैसे कि सबको पता है नींबू कितने कॉस्टली हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं 280 रुपीज के जी, तो 6 नींबू लेके आए हैं, नहीं 8 नींबू लेके आए हैं हस्बैंड। आप लोग बताना आपके वहाँ क्या रेट चल रहा है, हमारे वहाँ 280 किलो रुपए है नींबू का रेट, तो इसीलिए ना अब नींबू के ऊपर काफी जोक्स बनने लगे, मीम्स बनने लगे, तो मैं भी इसीलिए कह रही थी कि बहुत कीमती चीज आई है घर में। तो इसके बाद हम आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और यहाँ पे जैसे ही मैंने फोन को ट्राईपॉड पे फिक्स किया तो स्वास्तिक की नज़र इस पे पड़ गई, और वो बस ट्राईपॉड को देखे देख कर ना बातें किए जा रहा है और बहुत खुश हो रहा है। तो इस तरीके से करता है वो, और बहुत खुश होता है, या फिर टॉय जो सामने रखा हुआ है वो दो ही चीज़ों से बातें करता है, या तो टॉय से या फिर ट्राईपॉड के सामने, इन दो चीज़ों को देख के बहुत खुश होता है। तो अभी वो हैप्पी मूड में है, और यहाँ पे हस्बैंड को मैंने चाय बना के दी हुई है, स्वास्तिक को भी देख रहे हैं वो, और मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मैंने अपने लिए दूध गर्म किया है, तो मैं दूध और थोड़े से मखाने लूंगी साथ में, तो ये मेरा इवनिंग स्नैक हो जाएगा। और यहाँ पे हस्बैंड जो है अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं मैट्रेस के ऊपर बेडशीट नहीं है, तो बेडशीट स्वास्तिक ने गीली कर दी थी वो मैंने हटा दी है। और स्वास्तिक थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था आज ना, वो दिन भर नहीं सोया है क्योंकि हम दोनों लोग घर पे थे, कभी कोई देख रहा था इसको कभी कोई देख रहा था, तो इस तरीके से ना जब घर पे कोई ना कोई रहता ही है तो इसकी नींद भी वो हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है आई थिंक, तो इसलिए पूरे दिन में ये सोया नहीं था, तो अभी थोड़ा सा ये क्रैंकी हो रहा था। स्वास्तिक जो है अपना टॉय देखता है और उसके साथ बातें करता है। ये बेडशीट हमने आज वॉश की है क्योंकि इसने गीली कर दी थी, तो अभी मैंने ना इसको डायपर पहना दिया है क्योंकि ये खसक खसक के कहाँ पहुँच जाता है, तो इसीलिए मैट्रेस गंदा नहीं होगा। हाय, ले आए सब्जियाँ? सो नहीं रहा है, हाथ खा रहा है अपना। क्या क्या सब्जी मिली? टमाटर, दूध, और ये छोटा पैकेट दही का। आज हमारी दही ना फट गई थी तो इसको मैंने गरम किया, इसका बना लिया है पनीर, तो इसको मैं थोड़ी देर में छानती हूँ। अब ये पता नहीं कैसा बना होगा,
वहाँ पे चल रहा है जगराता, तो इसलिए काफी आवाज आ रही है और बैकग्राउंड में नॉइज आएगा आपको। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज गए हैं और आज हो गया है थर्सडे। तो मैं घर के काम कर रही थी और स्वास्तिक जो है बाहर स्ट्रॉलर पे है और वो खुश हो रहा है। अभी सुबह सुबह है, आजकल वो सोता नहीं है। जैसे वो नहाता है, उसकी मालिश होती है, तो उस टाइम पे रोने लगता है, उसको नींद आती है। तो फिर सुलाया तो उसको 15 मिनट में उठ गया वो। तो अभी मैंने स्ट्रॉलर पे रखा है, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, हस्बैंड को जाने में देर हो रही थी इसलिए हम लोग इसे स्ट्रॉलर में रख लिया और हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। हस्बैंड अभी ऑफिस के लिए निकल गए हैं और देखो कितनी बातें कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था और अभी इतनी बातें शुरू हो गई हैं उसकी। और ये डायपर का बैग जो है मैंने कल मंगाया था ऑनलाइन, तो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इसको मुझे रखना है। और बेड थोड़ा सा समेटती हूँ और उसके बाद मुझे उसको सुलाना है स्वास्थ्य को, क्योंकि मैं उसके बाद और काम कर सकूंगी ना। अदरवाइज जब तक ये सोएगा नहीं तो फिर मेरे काम नहीं हो पाएंगे। सबको हेलो बोल लो, से हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ और सुबह सुबह नहा धो के रेडी भी हो गया हूँ। बोलो, लेकिन मैंने पजामे गीली कर दी है ना। यहाँ पे स्वास्तिक को मैंने सुला दिया है, वो खेल रहा है। वो मैं उसको ना कितनी बार सीधा सुलाती हूँ, फिर से उल्टा हो जाता है। और मुझे लगता है कि उसको इस तरीके से सोने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मैं रात को उसको सीधे भी सुलाती हूँ तो वो पलट के इस तरीके से तिरछा होके सो जाता है। तो आजकल इसी तरीके से सोने लगा है, वो पहले नहीं सोता था इस तरीके से। पहले तो वो सीधा सोता था, जैसे मैं सुलाती थी वैसे ही सोता था, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं वो इसी तरीके से सोता है। और वैसे पेट के बल बच्चों को आराम मिलता है, और पहले मैं भी इसी तरीके से सोया करती थी ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम से मैंने इस तरीके से सोना छोड़ दिया और तब से हैबिट भी नहीं है। अब मैं सीधे सोती हूँ, लेकिन अब जो है मेरी जगह स्वास्तिक ने ले ली है, वो इस तरीके से सोता है। और यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मैंने पिलो लगा दिया, मैं उसको कितना भी बीच में सुलाऊँ वो पलट पलट के साइड में आ जाता है। तो इसलिए मुझे इस तरह से पिलो लगानी पड़ती है और बीच बीच में इसको आके मैं देखते भी रहती हूँ कि ये क्या कर रहा है और कहाँ पहुँचा हुआ है। व्लॉग काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं नीचे बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ और कितने सालों के बाद मैं नीचे बैठ के इस तरह से कैमरा के सामने बातें कर रही हूँ और कितना अच्छा लग रहा है। मुझे नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है, नीचे बैठ के खाना खाना, नीचे बैठ के काम करना। लेकिन जो है ना, प्रेगनेंसी की वजह से ये सब चीज़ें मुझे अवॉइड करनी पड़ी थी और उसके बाद सी सेक्शन हो गया, तो सी सेक्शन में भी ये सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अब जो है बॉडी थोड़ी बहुत रिकवर हो गई है और आज तो स्वास्तिक भी नीचे आ गया है। क्यों बेटा? और ये टकटकी लगा के कैमरे पे ही नजर है इसकी। इसका ये जो गद्दा है इसकी मौसी ने गिफ्ट किया था, तो इस पे मैंने इसको सुला दिया है और यहाँ पे ना पलटने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मे भी जगह नई नई है ना, तो यहाँ पे बस इधर उधर देख रहा है, जगह चेंज हो गई है इसकी, तो थोड़ा सा देख रहा है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो ऐसा है, वैसे इसको अब नीचे ही सुलाना पड़ेगा गद्दे में, गद्दा बिछा के। तो हम लोग जो है सोच रहे हैं, हमारे पास एक गद्दा रखा हुआ है, मैट्रेस रखा हुआ है, मतलब फोल्डिंग वाला जो नॉर्मल गद्दे होते हैं, वो तो वो रखा है, वो मुझे निकालना है। वो इस वाले बेड में है कि अंदर वाले में है वो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। और वो तो हस्बैंड ही निकाल पाएंगे, मैं तो निकाल नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना हैवी होता है उठाना, तो अभी मैं उठा नहीं सकती हूँ। तो जिस दिन हस्बैंड का ऑफ रहेगा, जब भी टाइम मिलेगा, तो गद्दा निकालना है और वो कहाँ पे हम बिछाएंगे वो भी सोचना है, जगह थोड़ी बहुत अरेंज करनी है, तो ये सब करेंगे। और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मैं आपको बताना भूल गई थी,
तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 26 अप्रैल आज ही नहीं है, आज 28 है, तो 2 दिन पहले हमारे चैनल को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज ही के दिन मतलब 26 अप्रैल के दिन मैंने अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, 26 अप्रैल 2019 में। तो आज हो गए हैं पूरे 3 साल और मुझे तो याद ही नहीं रहा। फिर लास्ट टाइम पे याद आया कि आज कुछ तो होता है, कुछ तो होता है 26 अप्रैल को। फिर याद आया कि हाँ चैनल का बर्थडे है आज। आया तो कुछ नहीं हमने इस तरीके से, लेकिन 3 सालों में ना बहुत कुछ चेंज हो गया है। सबसे बड़ा चेंज जो आया है, सबसे बड़ी कमाई जो है ये है मेरी सबसे बड़ी कमाई। और इसके बाद आप सब लोगों का प्यार, इतने सब्सक्राइबर हमारी फैमिली में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। तो वहां से लेके यहाँ तक का सफर बहुत ही अच्छा था, बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत ज्यादा टाइम था, बहुत लाइफ चेंजिंग भी रहता है। जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो मिक्सअप रहता है दोनों चीजों का, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलिए यही बात मुझे शेयर करनी थी, और आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिएगा और फैमिली को खूब बड़ा करिएगा। और तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बाय बाय। और हाँ, स्वास्थ्य की तरफ से भी बाय बाय। कितने ध्यान से देख रहा है कैमरे में, इसके सामने में बातें कम करती हुई क्योंकि इसकी नजर कैमरे में ही रहती है। तो चलिए बाय बाय, स्वास्थ्य की तरफ से बाय बाय।